हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वन एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी बुक ग्रेड सेवन से। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक्सरसाइज, उसको हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला सेक्शन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो इसका आंसर है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग। जो भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, वो सब अपने आसपास का जो वातावरण होता है उस पर निर्भर करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो ये जो एक रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म का और उसके वातावरण के बीच का, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये किसी भी चीज का हो सकता है। बहुत बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट है उनका भी हो सकता है, ग्रासलैंड्स का भी हो सकता है, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स, रिवर्स, ओशन या एक छोटा सा जो पॉन्ड है, सबका एक अपना इकोसिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? अब आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हो? नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, इसको हम कैसे कहते हैं कि जो बायोटिक है और जो एबायोटिक कंडीशंस हैं जो धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, उन दोनों को मिला के हमारा प्राकृतिक एनवायरनमेंट बनता है। अब बायोटिक क्या हुआ? रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पूरी पूरी वो लोग शामिल हैं जो लिविंग उसमें आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इवन हम लोग भी। तो ये सब जो है बायोटिक में आते हैं, और जो एबायोटिक होता है उसमें आते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि जमीन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, लाइट हो गई, एयर है, मिनरल्स हैं, ये सब आते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स में, और इनको हम एबायोटिक कहते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर करता है दोनों ही कंडीशंस को, बायोटिक और एबायोटिक को, जो साथ में एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, तो इसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो चाहे लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सब मिलकर जो है नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? आप किसी भी एनवायरनमेंट के मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल कौन कौन से हो गए? लैंड, एयर, वाटर, क्रिएचर, ये सब जो है नेचुरल हो गए। ह्यूमन मेड क्या क्या हो गए? आपके ब्रिज, रोड, पार्क्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब ह्यूमन मेड हो गए। और तीसरा क्या हो गया? ह्यूमन। ह्यूमन में कौन कौन आ गए? फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब ह्यूमन में आते हैं। तो मेन जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के हैं वो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है वो कौन कौन से, उनके चार एग्जाम्पल देने हैं। इसमें आप लिख सकते हैं रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोस्फियर? लिथोस्फियर किसे कहते हैं? आंसर है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। धरती की जो ऊपरी सतह होती है, जो ठोस सतह होती है, इसको हम लिथोस्फियर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो हमारी जमीन है ये बनी किससे है? रॉक से और मिनरल से, और इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर होती है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. ये जो सतह है ये ऊबड़ खाबड़ है, मतलब बिल्कुल समतल नहीं है, अलग अलग तरीके की ऊबड़ खाबड़ है। तो उससे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं। दे आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ये जो सतह है लिथोस्फियर जो है ये आपको कॉन्टिनेंट्स पे भी मिल जाएगी और जो ओशियन की सतह है वहाँ पर भी। इट इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये वो ग्राउंड है, ये वो बेस है जिससे हमें जंगल मिलते हैं, जो जानवर हैं उनको चरने के लिए घास का एक मैदान जो है वो मिलता है,
खेती के लिए जमीन मिलती है और इंसान बस पाता है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मिनरल वेल्थ का। नेक्स्ट है, विच आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। अब बायोटिक एनवायरमेंट के दो मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? अभी हमने पहले वाले आंसर में भी पढ़े थे, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर हम किसे कहते हैं? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो साथ मिलकर जो है बायोस्फीयर बनाता है, या हम जिसे कहते हैं जीती जागती दुनिया। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये वो जोन है अर्थ का जहाँ पर पानी, जमीन और हवा एक दूसरे इंटरैक्ट करती है, तभी जो जिंदगी है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, यानी हमारी जो जिंदगी है वो है इन तीनों से ही चल रही है। अगला सेगमेंट है टेक द करेक्ट आंसर। पहला है, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में क्या नहीं आएगा? डेजर्ट आता है, फॉरेस्ट आता है, एक्वेरियम नहीं आता। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। लैंड ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन कौन से है? माउंटेन और सी तो नहीं हो सकते, रोड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट में आती है। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के लिए खतरा क्या है? ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा एनवायरमेंट के लिए खतरा है। नेक्स्ट सेगमेंट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हम आपको करेक्ट आंसर्स ही बता रहे हैं, कौन कौन से जिसके करेक्ट आंसर्स हैं। पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हुआ? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। नैरो जोन यानी कि वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरैक्ट करती है। दूसरा है एटमोसफियर। एटमोसफियर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एक हवा की चादर जो हमारी धरती को कवर किए हुए है। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ? डोमेन ऑफ वाटर। पानी पे पूरी तरह से जो हमारा पानी होता है वो उसका जो बेस है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर हुआ। एनवायरमेंट क्या हुआ? हमारा वातावरण यानी हमारी सराउंडिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस। अब आपको रीजन देने, कारण बताने हैं। पहला है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। इंसान जो है अपना वातावरण उसको जो है उसमें फेरबदल कर लेता है। इसका आंसर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने जो आसपास का वातावरण है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जैसी उनकी जरूरत होती है। अर्ली ह्यूमंस अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले के जो ह्यूमंस थे उन्होंने किया, जिस तरह का उनको प्राकृतिक तौर पर वातावरण मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को ढाल लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उस समय वो एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते थे और अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आसपास में उनके जो नेचर द्वारा प्रोवाइडेड चीजें होती थी उसी से वो अपना काम चलाते थे। विद द टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरीड। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया जो जरूरतें थी वो बढ़ने लग गई और उसमें काफी ज्यादा वेराइटी आने लग गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। इंसानों ने बहुत नए नए तरीके चीज सीख लिए, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसमें फेरबदल करनी है अपने जो आसपास का वातावरण है उसके अंदर। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। अब इन्होंने सीखा जैसे खेती बाड़ी कैसे करनी है, फसल कैसे उगानी है, जानवरों को कैसे पालना है और एक बसी बसाई जिंदगी कैसे जीनी है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, अ बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। क्या क्या जो चेंजेस आए, पहिए का आविष्कार हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम आ गया, ट्रेड यानी व्यापार शुरू हो गया। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें कॉइन्स का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि चीज़ों का एक्सचेंज होता है। इसी तरह से व्यापार शुरू हो गया और कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जिस तरह से इंडस्ट्रीज बनने लग गई उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ने लग गया, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास आने लग गई जिससे जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी आसान हो गया और काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ने लग गया।
तो एक तरह से इंसान ने जो एनवायरनमेंट था वो अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर लिया। नेक्स्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जानवर और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका क्या कारण है? प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड दे मेक ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स टू लिव। जो पेड़ हैं वो जानवरों को एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी पेड़ के नीचे वो रहते हैं या छाया देते हैं उन्हें, पेड़ में वो रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, और इन पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे इन जानवर जो हैं वो जिंदा रहते हैं। व्हेन एनिमल डाइज दे डिकम्पोज एंड बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर प्लांट्स। अब जब कोई जानवर जो है वो मर जाता है तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उसकी बॉडी जो है वो सड़ने लगती है, और फिर वो जो है सड़ते सड़ते वहीं पर ही एक नेचुरल तौर पे फर्टिलाइजर बन जाती है पेड़ों के लिए। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब ये जो पेड़ हैं ये भी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। उनके जो बीज हैं वो तितर बितर होते हैं, उड़ जाते हैं, या जानवरों पर चिपक के कहीं और गिर जाते हैं तो वो चीज़ होती है, और सीड्स जो होते हैं वो भी इधर उधर फैल जाते हैं। तो एक तरह से प्लांट्स एनिमल पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं। फाइनल क्वेश्चन है, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट, वेयर वुड यू लव टू लिव, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। अब ये आपके अपना सेल्फ क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना होगा कि आप कैसा चाहते हैं कि आपके आसपास का वातावरण कैसा हो जिसमें आप रहना चाहें। तो आप अपने हिसाब से सोचकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें आपको लगता है कि हाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को लगे कि हाँ मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो वो आपकी अपनी क्रिएशन होगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, आप चाहे आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। तो ये थे आपके आंसर्स। अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसाम एजुकेशन। बाय।